सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और यहां पर आईपीएल 2020 के डेट्स और वेन्यूज के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अभी भी बता रहा हूं, ऑफिशियल अपडेट नहीं निकल कर आई है, बीसीसीआई की अभी भी मीटिंग चल रही है, लेकिन मीटिंग से पहले यहां पर काफी बड़ी अपडेट्स डेट्स और वेन्यूज के ऊपर निकल कर आई है। तो आज का वीडियो पूरा देख के जाना, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यूज की, तो 101% इस साल का आईपीएल यूएई में होने वाला है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इस साल का आईपीएल 101% होने वाला है। इसके ऊपर बीसीसीआई ऑफिशियल कंफर्मेशन दे देगी, लेकिन यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है, यूएई में इस साल का आईपीएल होने वाला है। और यहां पर यूएई बोर्ड ने भी यह कंफर्मेशन दी है कि हम आईपीएल की तैयारी चालू कर रहे हैं। तो यह साफ साफ संदेश है कि आईपीएल 2020 यूएई में होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आएगी। तो यह बात तो हो गई वेन्यू की, 101% मैं बोल रहा हूं कि ट्रस्ट कर लो यूएई में आईपीएल होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अब डेट्स की, क्या डेट्स क्या रह सकती है। तो बीसीसीआई ने जो पहले टेंटेटिव डेट्स दी थी वो थी 26 सितंबर से 8 नवंबर, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। जैसे कि 26 सितंबर है तो इसको आप इधर बढ़ा के 15 सितंबर कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा और पहले शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जो कैरेबियन प्रीमियर लीग है वो 10 सितंबर को खत्म होने वाली है और उसके एक से डेढ़ हफ्ते बाद आप आईपीएल आराम से चालू करवा सकते हो। एक हफ्ता भी इनफ होगा, तो एक हफ्ते बाद भी अगर आप आईपीएल करवाते हो तो मे बी 16-17 सितंबर और वहां के आसपास जो वीकेंड आ रहा है वहां पर आईपीएल हो सकता है, क्योंकि 26 सितंबर में भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो यही बेटर रहेगा कि आप मिड सितंबर में आईपीएल करवा लो, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी आपको मिल जाएगा मैचेस करवाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं उधर एंडिंग डेट की, तो वो मे बी 8 नवंबर ही हो सकती है, या फिर उसको भी आप थोड़ा सा पीछे करके 10 नवंबर कर सकते हो। ये टेंटेटिव डेट्स मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है कि 15 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में कभी भी आईपीएल हो सकता है, मतलब एक रेंज बता रहा हूं। ऑफिशियल डेट्स बीसीसीआई अनाउंस करेगी, मैं कोई नहीं होता हूं, लेकिन एक रेंज आपको मैं बता सकता हूं कि 15 सितंबर से उधर 10 नवंबर के बीच कभी भी आईपीएल हो सकता है और मे बी 30-35 डेज का ये आईपीएल आपको देखने को मिले। बीसीसीआई ऑफिशियल जो सौरभ गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा था कि अगर 30-35 डेज का आईपीएल भी हो सकता है तो हम करेंगे, लेकिन वो बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है। मतलब उन्होंने यही बोला था कि अगर कुछ नहीं बचता है तो आखिरी में यही ऑप्शन रहेगा कि 30-35 डेज का आईपीएल हम करवाएंगे, लेकिन अभी तो ऑप्शन की बात है तो बहुत लमसम टाइम है बीसीसीआई के पास। तो 30-35 डेज तो नहीं, आपको थोड़ा सा लंबा मतलब 40-45 डेज का में भी आईपीएल देखने को मिल सकता है और आपको थोड़े बहुत डबल हेडर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि एक ही स्टेडियम में आईपीएल हो रहा है तो डबल हेडर्स थोड़े ज्यादा करवाना मुश्किल होंगे, क्योंकि सेम वही मैच के बाद पिच रेडी करवाना, जैसे दोपहर का मैच है और उसके बाद शाम को सेम उसी स्टेडियम में मैच है, तो पिच रेडी होना बहुत डिफिकल्ट टास्क है वो, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो देखा जाएगा स्टेडियम्स कितने अलाउ होंगे, वो बात की बात होगी, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि यूएई में आईपीएल होने वाला है और 15 सितंबर से 10 नवंबर के बीच बीच में आपको आईपीएल 2020 होते हुए दिखने वाला है। इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि टी20 वर्ल्ड कप कैंसिल होना चाहिए और 101% ये माना जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप कैंसिल होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सारी वेबसाइट्स बोल रही है कि टी20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल कंफर्मेशन की देरी है। मैं नहीं मानता, लेकिन वेबसाइट्स बोल रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टी20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो चुका है। अब आपको क्या लगता है आईपीएल 2020 कब कैसे कहां किन डेट्स पे होना चाहिए, नीचे कमेंट करके बिल्कुल से बता देना। इंडिया में तो आईपीएल पॉसिबल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट अर्चित जैन, मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।